नमस्कार, मैं सुरेंद्र शर्मा, CLI ट्रेनिंग ETC आसनसोल ईस्टर्न रेलवे। अपने लेक्चर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज आपको कन्वेंशनल लोको के ट्रैक्शन पावर सर्किट के बारे में बताऊंगा। पहले लेक्चर में मैं आपको ट्रैक्शन पावर सर्किट का एक ब्रीफ आइडिया दिया था। उसी लेक्चर के सीरीज के तहत पार्ट टू में मैं आपको ट्रैक्शन पावर सर्किट की सुरक्षा में लगे QRSI 1-2, QOP 1-2, Q20 आदि के बारे में बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि शंटिंग नॉच लेने के बाद ट्रैक्शन मोटर के ऊपर क्या होता है, स्पीड कैसे बढ़ती है। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा इस इक्विपमेंट के बारे में जो ट्रैक्शन मोटर में लगे हुए हैं ट्रैक्शन पावर सर्किट में, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये TFP1, TFP2, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है एक्साइटेड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। TFP1 ट्रैक्शन पावर सर्किट प्लग 1 को सप्लाई देता है, जिसमें TM1-2-3 है। TFP2 ट्रैक्शन पावर सर्किट ब्लॉक नंबर 2 को सप्लाई देता है, जिसमें TM4-5-6 है। QRSI सेफ्टी रिले है, सिलिकॉन रेक्टिफायर की सुरक्षा के लिए लगाया हुआ है। ये RSI-1, RSI-2 सिलिकॉन रेक्टिफायर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 है। SL-1, SL-2 स्मूथिंग रिएक्टर है। लाइन कंटेक्टर्स हैं L1, L2, L3, L4, L5, L6, और ये वोल्ट मीटर्स लगे हुए हैं U1, U2, फिर U5, U6, अमीटर है A3, A5। ये सारे ड्राइवर कैब में लगे हुए हैं, जो ड्राइवर को ट्रैक्शन मोटर में दी जाने वाली वोल्टेज और करंट के बारे में बताते हैं। J1, J2 रिवर्सर है, जो करंट की दिशा को बदलता है फील्ड में। यहाँ आप देखिए RPS है, यह एक रेसिस्टेंस है जो फील्ड में सप्लाई जाने के पहले जो DC सप्लाई जाती है, ये लगा हुआ है कि यदि DC सप्लाई में AC का कुछ भी रिपल्स रह गया है तो वो इससे पार कर जाता है और प्योर DC सप्लाई इस फील्ड में जाती है। MF में MF1, MF2, MF3, MF4, MF5, MF6, ये सब ट्रैक्शन मोटर के फील्ड्स हैं। यहाँ देखिए S11, S12, S13 है। उसी तरह से देखिए इसमें S21, S22, S23, S31, S32, S33। उसी तरह से इधर छठे ट्रैक्शन मोटर में आते हैं तो S61, S62, S63 है। ये शंटिंग कंटेक्टर्स हैं। ये शंटिंग कंटेक्टर्स देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस RS11, RS12, RS13, ये शंटिंग रेसिस्टेंस को सर्विस में ले आते हैं जब ड्राइवर टेस्ट से ड्राइवर शंटिंग नॉच के लिए MPS को ऑपरेट करता है। S11, RS11 मतलब ट्रैक्शन मोटर का जो पहला शंटिंग रेसिस्टेंस है, ट्रैक्शन मोटर 1 का जो पहला शंटिंग रेसिस्टेंस है वो S11 है। दूसरा शंटिंग रेसिस्टेंस RS12 है, तीसरा RS13 है। इस तरह से एक ट्रैक्शन मोटर में 3 शंटिंग कंडक्टर्स हैं। WG5 लोको में 3 होते हैं, WP4 लोकोमोटिव में 4 शंटिंग कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर SJ1 है, SJ1 है, ये भी SJ1 है, SJ2। ये होता है आपका एक इंडक्टिव संट है जो संटिंग नॉच के समय में सर्विस में आता है। उसके बाद देखिए QD1, QD2 है। QD1 है, इसमें दो मोटर के बीच में लगा है, TM2, TM3 के बीच में, और यहाँ पर QD2 लगा हुआ है ब्लॉक 2 में TM4 और TM5 के बीच में।
यह एक करंट डिफरेंशियल रिले होता है। करंट डिफरेंशियल रिले होता है कि जब किसी कारण से किसी कोई मोटर ज़्यादा करंट लेने लगता है, चाहे व्हील स्लिपिंग का कारण हो या मोटर में कोई खराबी के चलते हो, तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसलिए एक सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि जब भी ट्रैक्शन मोटर में करंट का डिफरेंस 160 एम्पियर हो जाएगा, मान लीजिए WP4 में 125 एम्पियर का है, WP7 में 160 एम्पियर का है, तो क्या होगा कि ये नॉच को घटा देगा। व्हील स्लिपिंग के कारण भी हो सकता है, तो ये नॉच को घटा देगा और इस प्रकार से लोगों की रक्षा हो पाती है। QOP1 फिर QOP2, QOP1 QOP2 है ट्रैक्शन पावर सर्किट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का अर्थ फॉल्ट रिले, और देखिए उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RQP1 RQP2। ये HQP1 HQP2 स्विच के द्वारा, एक नाइफ स्विच होता है, के द्वारा ये ऑन और ऑफ स्थिति में रहते हैं। सामान्यतः ये ऑन में रहते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई अर्थ फॉल्ट आता है ट्रैक्शन पावर सर्किट में, तो ये उसकी रक्षा करते हैं। उसके बाद देखिए Q20 है, ये है ट्रैक्शन मोटर का ओवर वोल्टेज रिले। अगर ट्रैक्शन मोटर में किसी कारण से वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये नॉच को रिग्रेस करा देता है। अब मैं आपको इसका परिचालन दिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि कैसे संटिंग नॉच सर्विस में आता है और कैसे QOP सर्विस में आने से इसमें समस्या आती है। देखिए ये मोटर अभी चलना शुरू हो गया, ये सप्लाई TFP के बाद सिलिकॉन रेक्टिफायर, इस तरह से SL होते हुए लाइन कंटेक्टर में आई करंट, इस तरह से आते हुए फिर देखिए फील्ड में आकर के इसे फिर ये ऐसे चला जाता है। फिर उसी तरह से इसमें देखिए TM3 में इसे सप्लाई आई और ऐसे आकर के फिर आपको QD होते हुए सिलिकॉन रेक्टिफायर में चले गए। ब्लॉक 2 में भी देखिए ऐसे सप्लाई आ करके, ये ट्रैक्शन मोटर 4 का है, इस तरह से आई J2 होते हुए, देखिए यहाँ पर फील्ड के होते हुए ये सप्लाई फिर QD2 होते हुए सिलिकॉन रेक्टिफायर में चली गई। यहाँ भी ट्रैक्शन मोटर 6 में देखिए ऐसे सप्लाई आई ऐसे आ करके और फिर सप्लाई जैसे बैक हो करके चली गई। पहले लेक्चर में आपको J1 J2 का फंक्शन दिखा दिया था कि कैसे मोटर के चलने की दिशा में परिवर्तन होता है। अभी मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि जब संटिंग रेसिस्टेंस सर्विस में आता है तो क्या होता है। देखिए अभी हम एक संटिंग नॉच लेंगे, जब एक संटिंग नॉच लेंगे तो 6 ट्रैक्शन मोटर का पहला संटिंग कंटेक्टर क्लोज होगा, मतलब S11 क्लोज होगा, S12 क्लोज होगा, S13 क्लोज होगा, फिर देखिए S41 क्लोज होगा, फिर इसका S51 क्लोज होगा, फिर S61 क्लोज होगा, देखिए। और उसका देखिए स्पीड कैसे बढ़ेगा, अब ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए देखिए क्लोज हो गया, सर्टिंग रेसिस्टेंस सर्विस में आ गया और ये फिर पाथ में परिवर्तन नहीं होता, पाथ वही रहती है। कोई सर्टिंग फील्ड वीकनिंग सिस्टम है जिससे कि स्पीड बढ़ाते हैं। पहले वाले हमने देखा था नॉच बढ़ाने से स्पीड बढ़ रहा था, अभी सर्टिंग नॉच लेने से कैसे स्पीड बढ़ती है। ठीक है, पहला सर्टिंग नॉच लिया हमने, फिर हमने दूसरा सर्टिंग नॉच लिया, देखिए S12 S22 फिर S32 S42 S52 S62 सब ट्रैक्शन मोटर का दूसरा सेंटिंग मोटर कंटेक्टर क्लोज हो गया और उसके हिसाब से RSB सर्विस में आ गया। फिर मैं तीसरा सेंटिंग नॉच ले रहा हूँ, देखिए देखिए तीसरा सेंटिंग नॉच में लिया तो फिर तीसरा सेंटिंग नॉच में तीसरा रेसिस्टेंस भी सर्विस आ गया, S13
S23, S33, S43, S53, S63। इस तरह से आप देखें कि किस तरह से शंटिंग नॉच लेने से स्पीड बढ़ता है। अभी मान लीजिए कि हम गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने के बाद क्या होता है कि कोई समस्या आती है। मान लीजिए कि QOP1 या QOP2 दोनों में से कोई ड्रॉप हो गया या दोनों ड्रॉप हो गया, तो देखिए इस सर्किट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी हम QOP1 को एक्टिवेट कर दे रहे हैं, देखिए देखिए क्या हुआ, QOP1 या QOP2 या दोनों, कोई ट्रैक्शन मोटर साइड में, ट्रैक्शन पावर सर्किट में कहीं भी कोई फॉल्ट आया, अर्थ फॉल्ट आया, तो वो डीजे कंट्रोल सर्किट में एक्ट करके डीजे को ट्रिप करा देता है। और जब डीजे को ट्रिप करा देता है तो पावर सप्लाई भी चली जाती है, नॉच भी जीरो में चला आता है, देखिए सारा सर्किट मेरा। और फिर हम रिसेट करके यदि क्लोज करते हैं तो देखिए क्या होता है, देखिए फिर वो गाड़ी इस तरह से चलने लगती है। तो QOP1 QOP2 के रिसेट करने के पहले वो अलग लेक्चर में बताया जाएगा कि सेफ्टी रिले जब टैक्स एक्ट करते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या चेकिंग करनी है, वो किसी और लेक्चर में आपको बताया जाएगा जिसमें सेफ्टी रिले के बारे में चर्चा की जाएगी। अभी देखिए QRSI1 QRSI2 इसको भी हम एक्ट करा के देखते हैं। देखिए QRSI1 या QRSI2 या दोनों जो सिलिकॉन रेक्टिफायर का ओवरकरंट रिले है एक्ट कर गया, देखिए पूरा सप्लाई कट गई, यानी ये भी सेफ्टी रिले है और डीजे कंट्रोल सर्किट में ये डीजे को ट्रिप करा दिया जिससे कि पावर सप्लाई पूरा कट गई। मान लीजिए फिर हम रिसेट करके देखते हैं इसका सारा चेकिंग के बाद, देखिए हमारा फिर काम करने लगा। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से ट्रैक्शन पावर सर्किट के विभिन्न भाग में किसका क्या रोल है, RPS का क्या रोल है, SJ का क्या रोल है, शंटिंग कंटैक्टर शंटिंग रेसिस्टेंस का क्या रोल है, QRSI1 QRSI2 QOP1 QOP2 का क्या रोल है, और जब रिसेट कर देते हैं कैसे वो सर्विस में आ जाता है, और Q20 का रोल में क्या होता है कि जब ओवर वोल्टेज होता है तो Q20 एक्ट करता है, तो वो सर्किट पूरा बंद नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि आपकी सप्लाई कट जाती है और ये सप्लाई रिग्रेस हो जाता है, नॉच रिग्रेस होता है और वोल्टेज कम हो जाता है, और जब कम हो जाता है तो फिर गाड़ी चलते रहती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स का क्या रोल है। फिर मैं अगले लेक्चर में और भी कोई सर्किट लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।